यहाँ के वायु शक्ति 2024 में सिर्फ अब कुछ ही घंटों का वक्त रह गया है और ऐसे में वायुसेना ने तैयारियों में जान झोंक दी है। युद्धाभ्यास जैसलमेर में होने वाला है और इसकी गूंज पाकिस्तान तक भी सुनाई देगी। इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। शौर्य, शक्ति और पराक्रम, वायु शक्ति में दिखेगा भारत का दम। गर्जेंगे सुखोई, तेजस और राफेल, कांपेंगे दुश्मन, मंसूबे होंगे फेल। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर इन दिनों हलचल बढ़ चुकी है। वायुसेना के ये योद्धा तैयार हो रहे हैं अपने पराक्रम के प्रदर्शन के लिए। राफेल, सुखोई और तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स को तैयार किया जा रहा है वायु शक्ति 2024 एक्सरसाइज के लिए। 17 फरवरी से आसमान के ये लड़ाके जैसलमेर के पास पोकरण फायरिंग रेंज में अपने युद्ध का कौशल का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। वायु शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान करीब 2.25 घंटे तक ये फाइटर जेट्स 2 किलोमीटर की जमीन पर जबरदस्त ही बमबारी करेंगे। इस अभ्यास के दौरान 40 से 50 का बम का इस्तेमाल किया जाएगा। बताते चले कि राजस्थान के रण जैसलमेर में भारतीय वायुसेना एशिया की सबसे बड़ी सेना की फील्ड फायरिंग रेंज में अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। वायु शक्ति युद्धाभ्यास के जरिए भारतीय वायुसेना के पराक्रम का अद्भुत रूप देखने को मिलेगा। शत्रु के हर धोखे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सीमा से कुछ ही दूरी पर मरुभूमि के आसमान पर सेना के जाबाज बेहद कड़े युद्धाभ्यास की तैयारियां करेंगे। इस युद्धाभ्यास के लिए बुधवार को भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास ही पोकरण फायरिंग रेंज में इंडियन एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई। वायु शक्ति ऑपरेशन के तहत डे नाइट चलने वाली इस एक्सरसाइज में 121 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया, जिनमें सिखोई 30, एमकेआई, राफेल, तेजस और प्रचंड जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं। इन फाइटर जेट और ध्रुव हेलीकॉप्टर से दुश्मन के विमानों को टारगेट करने, उनके ठिकानों को मिटाने और विमानों की डॉग फाइट का अभ्यास किया गया। बम और गोले फायरिंग रेंज में गिर रहे थे, लेकिन इनकी गूंज लाहौर तक सुनाई दे रही। इस युद्धाभ्यास में दुश्मनों से निपटने के लिए लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर आतंकवादियों के ठिकानों पर अटैकिंग मोड में लाइव डेमो भी देंगे। 500 एयरक्राफ्ट भारी गोला बारूद और मिसाइलों के साथ हमले का अभ्यास करेंगे। इस वॉर एक्सरसाइज में राफेल, विराट 2000, सिखोई 30 एमकेआई, जैगवार, हॉक, C-130J, हरकुलस और तेजस जैसे ताकतवर विमान और चिनूक, अपाचे और MI-17, प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी अपना दम खम रहे हैं। वायुसेना की इस एक्सरसाइज में करीब 15,000 एयर वॉरियर्स हिस्सा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि सिखोई MPI कारपेट बम से लैस होकर जोधपुर एयरबेस से उड़ते हुए नजर आए। ऐसे में चीन और पाकिस्तान की बत्ती गुनगुनाएगी। 17 फरवरी को होने वाले इस युद्धाभ्यास से दोनों पड़ोसी मुल्कों में टेंशन जरूर बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एट। और इस रिपोर्ट के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत और वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।